सोनाली फोगाट की मंगलवार सुबह मौत हो गई थी। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया था कि अभी उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक को माना जा रहा है। हालांकि पूरी बात पोस्टमार्टम होने के बाद ही सामने आ सकेगी। बुधवार को उनका पोस्टमार्टम होना था, लेकिन परिवार वालों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद ये नहीं हो पाया। हालांकि अब सोनाली फोगाट के परिवार ने पुलिस में धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस जाँच आगे बढ़ाएगी। क्या होती है धारा 302? आईपीसी की धारा 302 कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर हत्या का दोष साबित हो जाता है तो उसे उम्र कैद या फांसी की सजा और जुर्माना हो सकता है। कत्ल के मामलों में खासतौर पर कत्ल के इरादे और उसके मकसद पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह के मामलों में पुलिस को सबूत के साथ ये साबित करना होता है कि कत्ल आरोपी ने किया है। आरोपी के पास कत्ल का मकसद भी था और वो कत्ल करने का इरादा भी रखता था। गोवा पुलिस ने इस सिलसिले में शुरुआती कार्रवाई के तहत अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया है। उनके घर वाले गोवा में हैं। सोनाली की मौत की इस वारदात को 48 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। हालांकि गोवा शासन अब भी सोनाली की मौत को एक सामान्य मौत मानकर ही चल रहा है, लेकिन गोवा सरकार का कहना है कि वो इस मामले की जांच के लिए हर तरह से तैयार हैं, ताकि मौत का सच सामने आ सके।